मिस्रों के पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया गया था। उन राजाओं के शवों को पिरामिडों में दफनाते समय खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन और हथियार भी साथ में ही दफनाए जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो सेवक सेविकाओं को भी साथ में ही दफना दिया जाता था। ये सब करने के पीछे प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहां उनको साथ में दफनाई गई चीज़ें काम आती थी। आइए हम आज आपको इजिप्ट पिरामिड के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताते हैं। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है, पर इनमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। बाकी के 6 अजूबे काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पर ग्रेट पिरामिड का केवल ऊपर का 10 मीटर का हिस्सा ही गिरा है। इस पिरामिड के पास 2 और पिरामिड भी है जो इससे छोटे हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड 150 फुट ऊंचा है। 4300 सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा, पर 19वीं सदी में इसका ये रिकॉर्ड टूट गया। गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया। गीजा के ग्रेट पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का प्रयोग किया गया। इन टुकड़ों में से हर एक का वजन 2 से लेकर 30 टन तक का है। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। गीजा के ग्रेट पिरामिड को 2560 ईस्वी पूर्व मिस्र के शासक खुफो के 4वें वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड को सिर्फ 23 साल में बनाने को लेकर कई तरह के सवाल हैं। एक पिरामिड वैज्ञानिक ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि यह केवल 23 साल में बना है तो हर 1000 मजदूरों को साल के 365 दिनों में हर एक दिन 10 घंटे काम करना पड़ेगा और 1 घंटे में 30 टुकड़ों को रखना होगा। लेकिन क्या 1 घंटे में 2 से लेकर 30 टन तक के 30 टुकड़ों को रखना संभव था? क्या आप जानते हैं इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्या आप जानते हैं इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला है वैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पिरामिडों को बनाने वाले पत्थरों को आपस में इस तरह से फिट किया गया है कि इनमें से किसी 2 के बीच एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। ग्रेट पिरामिड के बारे में राजा खुफो के शरीर को छोड़कर क्या है, यह अब तक पता नहीं चला। एक फ्रांसीसी वास्तुविद पियरे ने दावा किया है कि 4500 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्र में 2 कमरे स्थित है। इन कमरों में फर्नीचर लगे हुए जो राजा खुफो के शरीर को रखने के बाद लगाए गए। वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगे लगाकर काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। पिरामिड के अंदर बैठने से सिर दर्द एवं दांत दर्द से छुटकारा मिल जाता है। घाव, छाले, खरोंच आदि पिरामिड के अंदर बैठने से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक प्रयोग के दौरान कुत्तों को चौकोर, गोल और पिरामिड के आकार के घरों में रखा गया। प्रयोग के बाद ये पाया गया कि पिरामिड के आकार के घरों में रहने वाले कुत्ते अधिक आज्ञाकारी और समझदार निकले और उनकी सेहत भी अच्छी रही। दोस्तों, हमने एक YouTube चैनल शुरू किया है आप लोगों के लिए। इसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से दुनिया भर की नई अनोखी जानकारी बताएंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो के नीचे रेड कलर का एक बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें बांटते रहेंगे और दिखाते रहेंगे।